It does violate our standards. We work very hard to take it down. Didn't take it down. We've re Well, we've reported, I think it's more than 26 million examples of this kind of content. Didn't take it down until a congressional staffer brought it, it up. It, it may be that in this case, we made a mistake and missed something. I but think we you have make a lot of mistakes. Mark Zuckerberg had no answer to Can you imagine? no answer answer. absolute garbage. Thirty-seven percent of teenage girls between thirteen and fifteen were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire, Senator? This is why we're building all. Who these did you controls. fire, Senator? That's. I don't think that that's. Who did you fire? Uh, I'm, I'm not going to answer that. Because um, <laughs> I mean, you didn't is, fire anybody. Get it? I won't answer this. मतलब कि उन्होंने किसी को फायर नहीं किया। अगर आप में हिम्मत है तो पीछे जो जिनकी फैमिलीज का आपने लॉस किया है उनकी तरफ देखकर ये बार आप बोलिए It, this is ridiculous. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your project? Show them the pictures. Fake. Fake apology. You don't need an explanation from anyone. Here you have to take responsibility you of giving a fake explanation. And what follow-up did Instagram do when you have

और लैपटॉप में इंस्टाग्राम पे एक उसके मैसेज होता है मैसेज देखता है तो एक अट्रैक्टिव लड़की का होता है और वो लड़की नाइजीरिया से थी वो लड़की उसे एक फ्रेंडशिप का प्रपोजल देती है है और उन दोनों में काफी दिनों तक बात चलती है। बात चलती होते होते दोनों का ही रिश्ता गहरा होने लगता है और भरोसा इतना बढ़ जाता है कि एक दिन वो लड़की उससे एक अपनी पर्सनल और प्राइवेट वीडियो और फोटोज मांगती है लड़का बिना सोचे समझे अपना एक पर्सनल एक प्राइवेट वीडियो उस लड़की के साथ शेयर कर देता है और बस वहीं से कहानी बदल जाती है पता चलता है कि वो एक्चुअल में लड़की नहीं बल्कि नाइजीरिया के तीन लड़के होते हैं फिर वो तीनों लड़के मिलकर एक्सटॉशन स्टार्ट करते हैं उस यूएस के लड़के को फोर्स करते हैं कि वो उसको टाइम टाइम पर पैसा दे उसकी फैमिली को जब पता चलता है तो फैमिली कोऑपरेट तो करती है पैसा भी देती है लेकिन उन नाइजीरियन लड़कों की भूख यहाँ नहीं रुकती वो उसे लगातार ब्लैकमेल करते रहते हैं डराते रहते हैं कि वो बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे उसकी फोटोज़ और वीडियोस को लीक कर तो फाइनली उस लड़के ने एक दिन उन तीनों लड़कों को कन्फ्रंट किया और बोला कि अगर तुमने ये एक्सट्रॉशन बंद नहीं किया तो शायद मैं सुसाइड कमिट कर लूँ उन नाइजीरियन लड़कों ने कहा कि हाँ कर लो ना वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में बाकी बचा क्या है वो लड़का इतना डिसहार्टेंड हुआ कि उसने एक्चुअली सुसाइड कर लिया तो ये कहानी सिर्फ एक देश के एक इंसान की नहीं है जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं पूरी दुनिया में ना जाने कितने लोग

लेकिन वो डेटा प्राइवेसी और उन सब चीजों से रिलेटेड थे जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है बहुत इंपॉर्टेंट है बट यहां पर एक हीनियस क्राइम की बात हो रही है विच रिलेट्स टू चाइल्ड प्रोटेक्शन या कहें कि ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन तो ये अपने आप में इस तरीके का सबसे बड़ा ट्रायल है जहां पर यूएस सेनेट ने सोशल मीडिया के नेटवर्किंग साइट्स के पांच ऐसी कंपनीज के सीईओ को समन किया ट्रायल किया जिसमें कि मेटा डिस्कॉर्ड स्नैपचैट टिकटॉक और एक्स या फॉर्मली नोन एज ट्विटर के सीईओ को वहां बिठाया गया और फायर ड्रिल उनके साथ की गई है क्वेश्चन uh, किए गए हैं टफ क्वेश्चन और सभी सीईओ फ्रॉड करते वहां पर नजर आए हैं बिकॉज ऑब्वियस है यार हसन इतना ज्यादा uh, हद से बढ़ गया है इस तरीके का जो एक ट्रांसग्रेशन कह सकते हैं या इस तरीके का ये अपराध ही है यार इसको आप किसी अपराध से कम नहीं बोल सकते हैं और ये लोग जो हैं जितने भी ये सीईओज हैं इनकी नाक के नीचे अगर इतने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं इतने बड़े बड़े वायोलेशन हो रहे हैं तो जवाबदेही तो बनती है अब ये शुरू कहां से हुआ देखो साठ ऐसी फैमिली सिक्सटी ऐसी फैमिली जिनके बच्चे या तो क्लिनिकली डिप्रेस हो गए या एंगजाइटी के शिकार हो गए या उनमें से कुछ तो रादर अनफॉर्चुनेटली मर भी गए बिकॉज ऑफ दी अदर इवेंट ऑन सोशल मीडिया तो उन पेरेंट्स ने इन सारी कंपनी को सू किया है एंड दैट इज एवरीथिंग स्टार्टेड तो इन पेरेंट्स के, कुछ खास हैं, वो मैं के बता देता हूं उनसे होने वाली सुसाइड्स उनसे होने वाले ईटिंग डिसऑर्डर्स अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड बॉडी शेमिंग तो कई बार हम जिस तरीके का एक आ, बेस्ट या फिट बॉडी की जो एक डेफिनेशन सोशल मीडिया पर बनाई जाती है उससे ये जो इम्प्रेशनेबल बच्चे होते हैं ये उनको देख देख के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर बैठते हैं उन्हें पता भी नहीं होता है एक हेल्दी बॉडी एक फिट बॉडी एक्चुअली कैसी दिखती है इसके कुछ दूसरे ही मायने सोशल मीडिया पर सेट कर दिए जाते हैं और वहां से एंजाइटी का डिप्रेशन का सिलसिला शुरू होता है इसके अलावा सेल्फ हार्म एक्टिविटीज हैं आज इन सब बारे में हम बातें करने वाले हैं यह बहुत कंसर्निंग है ये एक और कॉम्पोनेंट है जिस पर आ, रिपोर्ट की गई है और सू किया गया है इन कंपनीज के सीईओ को ड्रग पैडलिंग ड्रग की खरीद फरोख्त इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है एनकरेजिंग पेडोफाइल्स इसके बारे में भी बात करेंगे आगे जाके child sexual abuse material child pornography इसके बारे में भी बात करेंगे एंड ब्लैकमेलिंग जिसका उदाहरण तुमने अभी दिया तो ऐसे कंसर्न्स लेकर कुछ पेरेंट्स वहां पहुंचे और जाहिर है यूएस के सेनेट ने इसको इसका संज्ञान लेते हुए अति शीघ्र उनको समन किया और उनके साथ बैठकर एक फायर ड्रिल की गई है। हाँ अभिषेक जो स्टूडेंट की कहानी जो बताई थी वो यूएस के एक सेनेटर थे लिंसिग्राम के नाम से उन्होंने ये बताया कि मतलब इतनी ज्यादा अट्रोसिटीज हो रही हैं और ये इतने बड़े स्केल पर हो रहा है बच्चों को एक तरह से ब्लैकमेल करना उनसे पैसा निकालना और उनको एक एक्सट्रॉशन जो है वो उस रैकेट में फंसाना के उन्होंने यहां तक कह दिया जो मार्क्स जकरबर्ग हैं उनके हाथ जो है वो खून से सने हुए तो उनके हिसाब से मार्क्स जकरबर्ग जो है वो मेटा जो है दैट होल्ड फेसबुक और इंस्टाग्राम उसके मालिक हैं ये कंपनीज जो हैं ये एक सोशल मीडिया का एक फ्रंट क्रिएट करती हैं और इसके थ्रू जितने लोग आते हैं जितने लोगों की ठीक है जिंदगियों को भी अच्छा कर रही है लेकिन एट द सेम टाइम जो इसके एक नेगेटिव या डार्क एस्पेक्ट है उसमें लोगों की जाने भी जा रही है बिल्कुल तो उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कहा कि जितनी जाने जा रही हैं और आप उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर अपडेट ऐसा नहीं ला पा रहे हैं कोई ऐसा फायरबॉल नहीं बना पा रहे हैं जिससे इस तरह की एक्टिविटीज रुके तो इस इन सारी मौतों के जिम्मेदार आप हैं तो आ, मैं ये पूछना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स से कि आपको क्या लगता है कि मार्क या कोई भी सोशल मीडिया के जो ये बड़े बड़े जॉइंट हैं ओनर्स हैं क्या ये रिस्पॉन्सिबल है कि इनके प्लेटफॉर्म पे इस तरह की एक्टिविटी हो या इसका ओनर्स हम सोसाइटी पे दें कि हम कलेक्टिवली फेल हुए हैं और हमने ऐसी एक गुंजाइश बनाई है जहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऐसे ऐसे गेम्स खेले जा रहे हैं जो कि लोगों की जान ले रहे हैं विल कम टू दैट लेटर लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि सिगरेट होती है ठीक है वो सोसाइटी में है लोग यूज कर रहे हैं और उससे भी जान जा रही है गन्स होती हैं गन्स भी लोगों के पास हैं लाइसेंस गन्स और उससे भी लोगों की जान जाती है तो सोशल मीडिया को उन्होंने सिगरेट और गन से इक्विवेलेंट बताया उससे कम नहीं है इसको भी यूज करके और लोगों की जान जाती है तो सिगरेट और गन्स के लिए तो फिर भी लॉज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है लेकिन सोशल मीडिया के लिए अगर आप देखें और स्पेशली सोशल मीडिया से जो 18 साल से कम के बच्चे हैं या 13 से 16 की जो एज के बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे करें उसके लिए उसको गवर्न करने के लिए आज सच कोई लॉ ही नहीं मतलब यूएस में भी नहीं है इंडिया में नहीं है बड़ी बड़ी कंट्रीज में नहीं है तो उन्होंने ये कहा कि अब ये टाइम आ गया है कि हमें पहल करनी चाहिए कि हम बहुत स्ट्रांग लॉज बनाएं और प्रोटेक्ट करें बच्चों को तो सोशल मीडिया जो थी वो बनी थी इसलिए कि आप अपने लव्ध वन से अपने दोस्तों से अपने रिश्तेदारों से टच में रहें और एक पॉजिटिव इंटेंट था उसमें जरूर लेकिन धीरे 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 उन सेनेटर ने यही बताया कि एक तरह से एक डार्क एनर्जी ने या आप यह कह लिए कि कुछ बुरे लोगों ने एक इस पूरे प्लेटफॉर्म को घेर लिया है इस पूरी सोशल जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए जो है वो बस अभी एक अपनी शुरुआती दौर में है जब ए और ज्यादा बढ़ जाएगा तो सोचो सोशल मीडिया के साथ ए का इन्फ्लुएंस कितना एक पोटेंशियल रखता है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का भी और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का भी यार इसमें ना बड़ी डिस्टर्बिंग स्टैटिस्टिक्स भी कुछ सामने आई हैं एक सेनेटर हैं हॉली जिन्होंने हॉली हॉली तरीके से मार्क जुकरबर्ग की खाल उधेड़ दी बिकॉज ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टैटिस्टिक्स है सो ट्रिगर वार्निंग मैंशन ऑफ न्यूडिटी तो यहां पर वो बता रहे हैं कि उनकी टीम ने मार्क जकरबर्ग के प्रोडक्ट्स को स्टडी किया प्रोडक्ट्स यानी कि उनके प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि और और एक हफ्ते में पंद्रह साल के बीच की लड़कियां हैं बच्चियां है, जिनके सामने अनवॉन्टेड न्यूडिटी फ्लैश हुई है एंड ऑब्वियसली एज डिस्टर्बिंग एज इट इज इस पर सेनेटर हॉली मार्ग से पूछ रहे हैं कि आपने इस चीज को होने दिया आपने एज एन आपकी टीम ने तो आपकी टीम से आपने किसको फायर किया रेस्पॉन्स में मार्ग बता रहे हैं कि हम अपने बिल्ड करते हैं ये उन्होंने फिर उनकी बात काट के सेनेटर ने पूछा आपने किसको फायर किया हु डिड यू फायर और मार्ग इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, कह रहे आई वोट आंसर दिस जिसका मतलब कि उन्होंने किसी को फायर नहीं किया एंड क्यों करेंगे वो राइट इसके बाद उन्होंने पूछा कि जिन लोगों ने आपको बिलियन बनाया है इतने सारे लोग जो आपके प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं और उससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं बाय द वे फेसबुक इंस्टाग्राम और इस तरीके के सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका रेवेन्यू मॉडल ही आपका स्क्रीन टाइम है जितना स्क्रीन टाइम आप देते हैं वैसे ही आप उन्हें पे करते हैं राइट right? क्योंकि उसमें एड्स रन होते हैं सो ऑन नाइनटी ऑफ मेटाज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एड्स दैट रन यू वॉच देंट तो इस तरीके से जब आप बिलियनियर्स बन जाते हैं और ये सेनेटर उनको पूछ रहे हैं तो क्या आपकी पर्सनल जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो ऐसे लोगों को जो विक्टिम्स हैं जो उनकी फैमिलीज हैं उन्हें आप एक पर्सनल फंड बनाकर करें इस पे भी मार्क्स नहीं हुए और उन्होंने साफ बोल दिया कि ऐसा कोई कॉम्पनसेशन फंड वो एस्टेब्लिश नहीं करने वाले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करने के लिए तैयार ही नहीं है अब फिर वो कह रहे हैं कि यहां पर बच्चों की जाने जा रही है क्या इसके लिए आपने कोई एक्शन लिया है कोई स्ट्रिक्ट अपने गाइडलाइन कंपनी में बनाई है उस पर उनका जवाब है दिस इज इन अप्रोप्रियट टू डिस्कस दिस इज इन अप्रोप्रियट मतलब आई यू किडिंग यहां पर इन अप्रोप्रिएट क्या है हसन यहां इन अप्रोप्रिएट है द काइंड ऑफ कॉन्टेंट दैट इज बिंग फ्लैश इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट जो इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्टेंट है और आप कौन सी ऑडियंस को वो दिखा रहे हैं नॉट दैट इट इज अप्रोप्रिएट फॉर एनी ऑडियंस बिकॉज जैसा तुमने सही कहा आपके प्लेटफॉर्म्स लोगों को कनेक्ट करने के लिए हैं ना कि ये सब गोरख धंधे करने के लिए तो ये आपके प्लेटफॉर्म पे इस तरीके का कंटेंट फ्लैश होना किसी भी एज ग्रुप के लिए एक कंसर्न है लेकिन यहां तो बात हो रही है तेरह चौदह पंद्रह साल के बच्चों की जो इंप्रेशनेबल है जो वो कॉन्टेंट कंज्यूम करके उनकी लाइफ ही खराब हो जाएगी अभी उनको कुछ पता भी नहीं है और उससे पहले ही उनके पास वो चीज आ रही है जिसके लिए वो अभी मेंटली मैच्योर भी नहीं है और उस पर मार्ग कह रहे हैं ये है मैं बताता हूं, जैसा तुमने अभी मेंशन किया कितने सारे ऐसे सो होते हैं जहां पर अभी भी हमने देखा है पिछले कुछ सालों में एक मैं बताता हूं, बड़ा ही यार अजीब सा एक चैलेंज आया था टाइड पॉड चैलेंज तो बेसिकली एक डिटर्जेंट का पॉड होता है उसको सोलो करना होता था और रिएक्शन अपना कैप्चर करके डालना होता है और फिर आप दूसरे लोगों को चैलेंज करते हैं अपने फ्रेंड्स को अपने जानने वालों को चैलेंज करते हैं और फिर वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और फिर वही ये करते हैं ठीक है एक सिनेमन चैलेंज करके आया था जिसमें के सिनेमन को रख के यानी कि दालचीनी का जो पाउडर है उसको रख के स्नॉट करना था लाइक ड्रग्स और उसमें भी कई जाने गई ये डिटर्जेंट वाला मैंने बताया इसमें कई जाने गई फिर इसी तरीके का एक की की चैलेंज था और न जाने कौन कौन से यार चैलेंज होते हैं बाय द वे अगर आपको इस तरह के कोई भी चैलेंजेस uh, पता हैं जो सोशल मीडिया पर रन हुए हैं एक ब्लू वेल चैलेंज था uh, जिसमें लोगों की जाने गई हैं या अगर आप खुद भी ऐसे किसी चैलेंज का पार्ट बने तो उसके बारे में कॉमेंट्स में नीचे हमें जरूर बताइए मतलब ये हो क्या रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे क्या आपने इसी के लिए स्टेब्लिश किया था चलिए अग्रीड के एक लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है बिकॉज यू कैनॉट कंट्रोल द यूजर्स लेकिन जब आप इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट आपके कॉग्निजेंस में आता है संज्ञान में आता है तब आप क्या करते हैं इज वॉट विल डिसाइड वेदर यू आर फॉर और अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राइट तो यहां पर इनअप्रोप्रिएट तो ये सारा बिहेवियर है ना कि उनसे जब ये पूछा जा रहा है तो वो इन है फिर इसके अलावा उन्होंने कहा जो आप बिलीनियर बने हैं आपके पीछे पेरेंट्स बैठे हैं जो अपने बच्चों की फोटो लेके बैठे हैं जो अब्यूज हैं या डिसीज हैं और उनसे क्या आप अपॉलोजाइज करेंगे तो बेशर्मी की यहां पर हद कर दी माग ने वो खड़े होकर जस्ट बिकॉज उनको उस गिल्ट ट्रिप में ड्रैक किया गया था वो खड़े होकर वहां पर मतलब एक सूडो अपोलॉजी उन्होंने दी है एंड दैट्स द द वर्ड ऑफ डे सूडो फेक नकली अपोलॉजी दी है क्योंकि वो वहां पर कह रहे हैं आई एम सॉरी फॉर योर लॉस मतलब ये तो आप नॉर्मली भी किसी की अगर कोई खबर सुनते हैं कि किसी की या किसी की डेथ हो गई तो सबसे पहला रेस्पॉन्स होता है आई एम रियली सॉरी टू दैट तो ये वो वाला सॉरी है ये माफी वाला सॉरी नहीं है ये रियलाइजेशन वाला सॉरी नहीं है और साथ साथ इसके वो वहां पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि कैसे उनके सिस्टम्स और रोबस्ट किए जा रहे हैं कैसे वो टाइट किए जा रहे हैं एंड ऑल दैट आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए किसी को यहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना कि आप वहां पर एक फर्जी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बैठ के अभिषेक ये तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनकी कि यहां पर वो खड़े होते ओन अप करते हाँ ठीक है कुछ लापरवाही रही हमारे सॉफ्टवेयर में और उसे हम दूर करेंगे लेकिन हाँ उस लापरवाही की वजह से अगर किसी को भी हानि पहुंची हो ठीक है जान जाना तो फिर भी बड़ी बात है अगर जरा सी भी हानि पहुंची हो तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं हमें आप कैसे भी आप कोई फाइन लगाइए या कैसे भी हमें कॉम्पनसेशन देना हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं उसके बजाय उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए जितनी बार भी कॉम्पेंसेशन का नाम दिया कहने को यह बिलेर है लेकिन इनके पास ही अपॉर्चुनिटी थी भाई कितना वन मिलियन टू मिलियन थ्री मिलियन साठ फैमिलीज हैं साठ मिलियन दे देते ये अगर वहाँ पर ही खड़े खड़े तो शायद लोग इनको माफ कर देते शायद इनको लोग ही सोचते कि ठीक है ये एक इंसान है और बिजनेस के उसमें इन्होंने कोई गलतियां की और आगे ये ठीक कर देंगे लेकिन आज अगर वो इतने कोल्ड उनका एक बिहेवियर रहा और इतना उस सेनेटर के बोलने के बाद भी एक बार भी इन्होंने ना ओनअप किया और बिल्कुल सही कहा तुमने सॉरी भी ऐसे बोला जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं और कहते हैं सॉरी फॉर द लॉस ठीक है, loss, है? हमें दुख है बस इस तरह का लेकिन अपोलॉजी का तो उसमें कोई मतलब अंश ही नहीं था तो उस कमेटी में सेनेटर होली के अलावा एक और सेनेटर थे टेड क्रूज उन्होंने तो ये समझो कि बिल्कुल ही सेंटर लाइन पे वो ले आए मार्क्स जगरबर्ग को और आमने सामने बिल्कुल ये समझो बातचीत चली है तो इन्होंने जगरबर्ग को पीछे एक स्क्रीन था उसमें एक नोटिस दिखाया एक नोटिफिकेशन या वार्निंग कह लो उसे जो कि कोई भी बंदा जो सर्च कर रहा होगा ऐसा अडल्ट कंटेंट अबाउट अ चाइल्ड हु इज लाइक बिलो 18, तो वो जैसे ही सर्च करेगा तो एक वार्निंग आएगी तो उन्होंने ये पूछा कि अगर ऐसी वार्निंग दिखती है आपके मतलब फेसबुक के उसमें तो आप क्या करते हैं उसमें लिखा तो हुआ है कि आप अगर आगे बढ़ते हैं यहां से तो आपकी कंट्री के लॉज के हिसाब से चाइल्ड अब कंटेंट देखने के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है आपको सजा भी हो सकती है लेकिन उसमें अगर आप नीचे आए तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सी रिजल्ट एनी वे मतलब आप उन रिजल्ट को बड़ी कन्वीनियंटली देख भी सकते हैं तो तुम समझ रहे हो अभिषेक कोई भी इंसान कोई भी पेडो फाइल पेडो फाइल मतलब वो इंसान जिसको बच्चों में इंटरेस्ट होता है वो अपने उस इंटरेस्ट का सर्च वर्ड में फेसबुक पे एंटर करता है और उसको उस तरह का कंटेंट दिख भी जाता है जैसे ही वो क्लिक करता है तो ये वार्निंग आती है और उस वार्निंग को आने के बाद वो एक बटन बस दबाता है और उसको एक्सेस मिल जाता है बस यही है आपकी फायरवॉल और कुछ भी नहीं तो इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था कि कैसे वो कोई उन्होंने फायर ही क्रिएट नहीं की है क्लिक करके आराम से आदमी उसको एक्सेस कर रहा है उस कंटेंट को तो उन्होंने ये पूछा कि एक बार अगर कोई भी इंसान वो क्लिक कर देता है कि वी वांट टू सी द रिजल्ट्स तो उसके बाद आप क्या करते हैं क्या उस इंसान को आप रिपोर्ट करते हैं किसी पुलिस में जाके या कोई एक फेडरल एजेंसी को आप बताते हैं कि ये ये मैंने आइडेंटिफाई किए हैं या हमारे सॉफ्टवेयर ने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये पेडोफाइल्स हैं तो क्या आप उन उनको आइडेंटिफाई करके किसी एजेंसी को बताते हैं या आप बैठ जाते हैं एक जगह पे कि ठीक है यार कंटेंट तो चल ही रहा है फेसबुक तो मेरा बढ़ रहा है मार्क जकरबर्ग के पास कोई इसका आंसर नहीं था कैन यू इमेजिन या क्या आंसर देंगे वो हाँ तो वो बस इसके अराउंड एक कहानी सी गढ़ते हैं कि हां हम कोशिश कर रहे हैं हम अपने जो सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं और हम और दूसरी कंपनीज जैसे इस टॉपिक को हैंडल करती है चाइल्ड अब्यूज को हम उससे और ज्यादा जिम्मेदारी से हैंडल करते हैं गार्बेज बिल्कुल है। uh, हाँ, कोई जवाब नहीं है सब एब्सोल्यूट गार्बेज है फालतू की बातें हैं क्या ही जवाब देंगे ये इसका मतलब इतना बड़ा मिस आप ये जानते हुए कि चाइल्ड अब्यूज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये सब कुछ एक बहुत ही हीनियस क्राइम है किसी भी लेवल पे आप देख लीजिए इमोशनल लेवल पे ये क्राइम है एज उनकी ऐसी है बच्चों की मतलब व्हाट काइंड ऑफ़ फ्यूचर आप आप बिल्डिंग बोलते हैं, to so कैसी, कैसी हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन पे डम फाउंडेड थे इनके पास जवाब नहीं था फ्रॉथ हो रहे थे चेहरा देखो इनका तो उस समय ये बिल्कुल ही लैम्ब इन फ्रंट ऑफ राइटली सो यहीं पर एंट्री हुई एक और सेनेटर की जो है माशा ब्लैकबर्न अब ये एक एल्डरली सेनेटर हैं और ये बताती हैं कि मैं एक मदर भी हूं और एक ग्रैंड मदर भी हूं एक बच्चे की अब सिमिलरली यार मैं भी एक पेरेंट हूं और मैं ये बता सकता हूं कि ये इशू पर्सनली बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है इनका कहना है कि सोशल मीडिया जो है वो टीनेजर्स से टू हंड्रेड डॉलर ऑन एन एवरेज कमाती है जिसका इकोवलेंट आई है लगभग बीस इक्कीस रुपए तो वहां पर कुछ बच्चे आए हुए थे जिन्होंने अपनी टी शर्ट पर लिखा था आई एम वर्थ वे मोर देन टू हंड्रेड एंड सेवनर्स अब यहां पर वैल्यू लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो टू हंड्रेड एंड सेवन डॉलर तक रिड्यूस कर दिया है मतलब ये अपने आप में कितना ज्यादा शेमफुल एक स्टेप है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनर के लिए कि आप छोटे बच्चों को इंप्रेशनेबल बच्चों को जो टीनेज में है जो अभी माइनर्स हैं उन पर एक मॉनिटरी टैग लगा रहे हैं और आप उनको एज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस देख रहे हैं तो उन्होंने बताया कि चिल्ड्रन आर नॉट प्रायोरिटी फॉर यू बट जस्ट प्रोडक्ट्स और इसीलिए 42 स्टेट्स ने मिलकर इनको सू किया है अलग अलग फैमिलीज में हाँ अभिषेक देखो ये ब्लैकबर्न जो है ये दो से जब से ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये आर्टिकल आया था जिससे ये सारी चीजें ट्रिगर हुई थी तो उस टाइम से ये इस टॉपिक पे रिसर्च कर रही थी और इन्होंने ये बताया कि जो यूएस में ट्रैफिकिंग है चाइल्ड ट्रैफिकिंग वो बहुत ही ज्यादा ये समझ लीजिए एक नेटवर्क है वहां पे ऑलरेडी इन सब चीजों का जो पैरल चलता है और हर दो मिनट में एक बच्चा जो है उसको बेचा या खरीदा जाता है यूएस जैसी कंट्री में हाँ मतलब वो आप देखिए जहां पर सी आई ए है एफ बी आई है इंटेलिजेंस uh, जो एक नेटवर्क uh, है यूएस का notch. इतना जबरदस्त है हाँ गन लॉज है मतलब आप बात करिए एंड यू यू हैव इट देयर ठीक है उसके बाद भी हर दो मिनट में एक बच्चा खरीदा या बेचा जाना एक देश में सोचिए कि क्या लेवल होगा फिर इसकी सच्चाई का और ये तो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं जो चीजें रिपोर्ट नहीं की जाती उनका अगर ब्यौरा लिया जाए तो वो तो न जाने किस लेवल पे होगा हम्म बिल्कुल ठीके बिल्कुल ठीके तो इस पर उन्होंने ये भी कहा कि जो जितने भी ये फेसबुक ऑफ द वर्ल्ड और इंस्टाग्राम ऑफ द वर्ल्ड हैं ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बनते जा रहे हैं जहां पर सॉफ्ट कॉन्स दिखाई जा रही हैं एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखाया जा रहा है पेडो फाइल्स को एनकरेज किया जा रहा है ठीक है तो ये सुनने के बाद मार्क जकरबर्ग जो था वो मतलब कहता है कि नो दिस इज रिडिकुलस मतलब ये रिएक्शन था उनका तो उन्होंने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो पीछे जो जिनकी फैमिलीज का आपने लॉस किया है उनकी तरफ देखकर ये 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 बार आप आप बोलिए इज दिस नहीं ये सिर्फ ही नहीं सिर्फ ही है ये है शेमफुल भी इतनी बड़ी कंपनी के आप मालिक हैं और वहां बैठकर आपकी इन गलतियों को जब कॉल आउट किया जा रहा है तो आप उसको रेडिक्यूल बोल रहे हैं क्या आप लॉस ऊपर है जिन लोगों से आपको बिजनेस मिलता है रेवेन्यू मिलता है जिन लोगों से आप आप बनते हैं आप उनके लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मुझे लगता है सबसे बड़ी तो रिडिकुलस ये चीज है टू बिगिन विद तो यार मैं ये मानता हूं कि आज इस पूरे प्रकरण को समझ के कम से कम मैं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हूं बट एट द सेम टाइम ये एक ऐसा भी मुद्दा है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए बिकॉज तभी लोग थोड़ा जागरूक होंगे ये मुद्दा अभी बस सरफेस हुआ है इस तरीके के कितने ही सारे ऐसे और इंसिडेंट्स होंगे जो जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे हो रहे होंगे आपकी जानकारी में अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट पहले हुआ है तो उसको हमसे शेयर कीजिए कॉमेंट बॉक्स में और इस कम्युनिटी के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए क्या आपने उसको रिपोर्ट किया क्या आपने किसी को हेल्प के लिए रीच किया वो सारी चीजें हमसे जरूर शेयर करिए बट इस मुद्दे का कंक्लूजन अब तक का सिर्फ ये कहा जा सकता है इन सीईओ और जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव हैं इन कंपनीज के जो मालिक हैं उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना ठीक नहीं है क्योंकि ये तो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% परसेंट नहीं करने वाले क्योंकि इनका बिजनेस ही उनसे चलता है और आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है अब यूं तो ये कई सारी कम्युनिटी सर्विसेज कॉपोरेट सोशल या रिस्पॉन्सिबिलिटीआर की इनिशिएटिव्स लेते ही रहते हैं लेकिन वो कितने सच्चे और उनके पीछे की क्या डार्क साइड होती है ये तो आप सबको ऑलरेडी मालूम है तो इसीलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर डालने के बजाय गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड को चाहिए कि वो कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉज लाएं जिनसे कि ये लोग भी डरें और इस तरीके का कोई भी कॉन्टेंट स्पेशली वेन इट कम्स टू ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन और ज्यादा प्रबल हो इन पांच सी में से तीन सी ने ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम अभी तक की हियरिंग्स में लेने से साफ मना कर दिया है इसीलिए जब तक इन मुद्दों पर कोई ठोस डिसीजन गवर्नमेंट्स की तरफ से नहीं आता तब तक आपको एज अ पेरेंट क्या करना है आपको अपने आप को पहले तो अवेयर करना है ऐसी चीजों से आपका बच्चा स्पेशली अगर वो माइनर है तो अपने डिवाइसेस पे क्या देख रहा है इसकी थोड़ी मॉनिटरिंग रखनी चाहिए चाइल्ड सेफ्टी चाइल्ड लॉक एक्सेट्रा बहुत सारी सेटिंग सारे डिवाइसेस में होती हैं उसके बारे में जानिए और उसको अप्लाई कीजिए अपने डिवाइसेस में बिफोर यू हैंड आउट योर फोन आईपैड लैपटॉप टेलीविजन टू अ अट इस बात को भली भांति जान लीजिए कि स्क्रीन टाइम इन कंपनीज का डायरेक्ट रेवेन्यू चैनल है वहां वहां पर पर एड्स एड्स भी भी आ रहे रहे हैं हैं और ये भी ध्यान रखिए कि किस तरीके के के बच्चों को दिख रहे हैं। इन सब चीजों अलावा बच्चों से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के चलिए अगर आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं, तो इस बात को जान लीजिए कि बच्चा आपसे सारी बातें शेयर नहीं करने वाला तो ये जरूरी हो जाता है कि बच्चों से आप खुलकर बात करें उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन चैनल रखें समय समय पे इन चीजों के बारे में उनको एजुकेट करते रहें और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको आप एम्पावर करें ताकि कभी भी इस तरीके की किसी भी गलत एक्टिविटी में अगर बच्चे गलती से भी पड़ जाते हैं तो सबसे पहले इंसान जिनको वो आके रिपोर्ट करें वो आप होने चाहिए आज के इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा क्या आप चाहेंगे कि हम इस तरीके का कॉन्टेंट और आपके सामने लाए हमसे अपनी राय जरूर शेयर कीजिए इस विषय में आपके क्या ओपिनियंस हैं वो हमारे साथ बांटिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं जिस वैल्यू को लेकर आप अनलॉक करते हैं अपना 2.0 हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में तब तक के लिए ट्यून्ड एंड कीप पॉचिंग